ओके स्टूडेंट्स, सी अंडर द चैप्टर थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री दिस क्वेश्चन अबाउट द प्लेन हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द गिवन प्लेन. प्लेन इज गिवन बट द डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन इज नॉट गिवन. ये जो प्लेन है इसका इक्वेशन आपको डायरेक्ट दिया नहीं उसने. किस तरह से दिया उसे देखो. Find the equation of the plane. First of all, you have to find the equation of this plane. Then we will find the distance of this point from this plane. So, find the equation of this plane that contains the point 1, minus 1 and 2. Here somewhere on the plane, 1, minus 1 and 2 point is there. And it is perpendicular to both the planes. ये दोनों प्लेन्स को ये वाला प्लेन परपेंडिकुलर है. सो वेन एवर यू वॉन्ट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन एटलीस्ट यू मस्ट नो द नॉर्मल. उस प्लेन का आपको नॉर्मल पता होना चाहिए और पॉइंट तो दिया है. अगर पॉइंट और नॉर्मल हमको पता है देन वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन. जैसे कि आपको मालूम है इक्वेशन ऑफ द प्लेन एक पॉइंट एंड नॉर्मल इज गिवन. क्या इक्वेशन है? आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू जीरो. ये ना इक्वेशन प्लेन का इक्वेशन. अगर आपको पॉइंट मालूम है और नॉर्मल मालूम है तो हम इस तरह से उस प्लेन का इक्वेशन लिख सकते हैं. तो अभी आपको इस प्लेन का नॉर्मल मालूम नहीं है लेकिन ये जो प्लेन है ये परपेंडिकुलर है दो प्लेन्स को. जैसे कि बाकी शीघ्र जैसे कि ये वाला प्लेन है मेरा. दिस इज द प्लेन एंड दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड दिस प्लेन. इस तरह से ये प्लेन है. ये दो इस दो प्लेन्स को परपेंडिकुलर है ना. ये दोनों प्लेन्स को परपेंडिकुलर है तो मुझे इसका नॉर्मल अगर निकालना है तो आपको मालूम है कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट से हमको परपेंडिकुलर मिलता है. तो मैं क्या कर रहा हूं कि अभी देखो ये जो प्लेन है इसका नॉर्मल मुझे पता है. इसका नॉर्मल और इस प्लेन का ये दो प्लेन का इक्वेशन दिया है. तो मैं इसका नॉर्मल निकालूंगा इसका नॉर्मल निकालूंगा. अगर ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो इस प्लेन का मुझे नॉर्मल मिलेगा. इसका परपेंडिकुलर मिलेगा. इधर इसका नॉर्मल और ये प्लेन का नॉर्मल जो दो दोनों प्लेन दिए है दोनों नॉर्मल का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो तो इसका नॉर्मल मिल जाएगा. ये वाला प्लेन जिसका मुझे इक्वेशन निकालना है. ठीक है ना. ओके सीधा. सो हियर समझ में आएगा नहीं? ओके हियर द गिवन प्लेन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -1 and 2 एंड इट इज Perpendicular to the planes number 1 2x plus 3y minus 2z equals to 5 and second is x plus 2y minus 3z equals to 8. ये दोनों प्लेन्स को परपेंडिकुलर हो. सो लेट अस फाइंड द नॉर्मल ऑफ दिस. इसका जो नॉर्मल होगा n1 हो जाएगा आपका 2i प्लस 3j माइनस 2k क्योंकि वेक्टर r डॉट n इक्वल्स टू d होता है ना. तो इसमें का r मीन्स ये होगा आपका एक्स आई प्लस वाई के प्लस जेड के. नॉर्मल इसका 2i प्लस 3j माइनस 2k डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा 3x प्लस 3y माइनस 2j है ना. इस तरह से आएगा ना. सो नॉर्मल ये होगा पहले प्लेन का एंड दिस इज अ नॉर्मल ऑफ फर्स्ट प्लेन. नॉर्मल ऑफ फर्स्ट प्लेन एंड n1 वेक्टर n2 वेक्टर नॉर्मल ऑफ सेकंड प्लेन होगा i दिस इज 1i प्लस 2j माइनस 3k. नॉर्मल ऑफ सेकंड प्लेन
second plate. If it takes the product of these two normals, then definitely you will get the normal to this plane. ये जो प्लेन जिसका मुझे इक्वेशन निकालना है उस प्लेन को नॉर्मल मुझे मिलेगा क्रॉस प्रोडक्ट ले लो. सो देयरफॉर इफ वी टेक द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एन वन एंड एन टू देन वी गेट द नॉर्मल To the given plane. Okay, दिए हुए plane को normal मिलेगा. Therefore, normal to the given plane that is n equals to cross product ले लो. या ऐसे कर सकते हैं इक्वल्स टू n1 क्रॉस n2 से मिलेगा. सो यहां पर r j k n1 के स्केलर का कंपोनेंट्स 2 3 माइनस 2 एंड n2 के 1 2 माइनस 3. सो नॉर्मल इक्वल्स टू दिस इज -9 प्लस 2i माइनस j i को दिस इज -9 दिस इज प्लस 4i देन माइनस i j के लिए ले लो ये माइनस सिक्स प्लस 2j देन प्लस k के लिए ले लो 4 माइनस 3 k. So that is -5i, and this is -4 with +4j and +k. So this is the normal to this plane. This plane को normal मिल गया. अभी मुझे इस plane का normal भी मालूम है. Normal है यहाँ पर -5i +4j +k. Normal पता है ये a है पोजीशन वेक्टर ऑफ द गिवन पॉइंट ए. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट n इक्वल्स टू जीरो. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इफ नॉर्मल एंड पॉइंट इज गिवन. ओके देयर पुट दिस वैल्यूज. नाउ हियर r मींस योर xi जनरल वेक्टर yj प्लस zk माइनस a इज गिवन पॉइंट ऑन दिस प्लेन. दिस इज गिवन पॉइंट दिस इज i माइनस j प्लस 2k डॉट n is this n. This is -5i +4j +k equals to 0. This will be the equation. Now you can convert this equation into Cartesian equation. So xi minus i means x minus 1i plus y, this is minus plus 1 j, right, plus then z minus 2k dot -5i plus 4j plus k equals to 0. Now take the dot product. So this is minus 5 into this x minus 1. So minus 5 into x minus 1 plus this 4 into y plus 1 plus this 1 into z minus 2 equals to 0. Scalar component se multiply karo. So this is -5x plus 5 plus 4y plus 4 plus z minus 2 equal to 0. That is -5x plus 4y
प्लस जेड 5.9 9 1 2 7 प्लस 7 इक्वल टू 0 है ना. सो दैट इज माइनस 5x प्लस 4y प्लस जेड इक्वल टू माइनस 7 मल्टीप्लाइंग बाय माइनस 1. सो देयर वी गेट 5x माइनस 4y माइनस जेड इक्वल टू 7. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन. इस तरह से आपको उस प्लेन का इक्वेशन मिल गया. ओके दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन. समझ में आया क्या? ओके नाउ इफ द पॉइंट इज गिवन, पॉइंट पी इज गिवन देन यू कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम दिस पॉइंट. नाउ हियर We have to find the distance of this plane from the given point -2, 5, 5 इस पॉइंट से आपको डिस्टेंस निकालना है. Therefore perpendicular distance of the plane from the point -2, 5, 5 is equals to positive plane of distance होता है. सो क्या होता है वेक्टर ए डॉट एल माइनस डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल. ये होता है ना फॉर्मूला वेक्टर ए डॉट एल दिया हुआ पॉइंट कौन सा है उस प्लेन का नॉर्मल माइनस डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एल. ओके सो पुट दिस वैल्यू सो इक्वल्स टू वेक्टर ए कौन से पॉइंट से आपको डिस्टेंस निकालना है. सो माइनस टू आई प्लस 5j प्लस 5k डॉट नॉर्मल उस प्लेन का. नॉर्मल क्या आया था हमारा इक्वेशन क्या है था प्लेन का क्या था 5h माइनस 4y माइनस j इक्वल टू 7. ये इस प्लेन का इक्वेशन था. ओके सो यहां पर नॉर्मल इसका जो है ये नॉर्मल है 5y माइनस 4j माइनस 1k है ना. 5i माइनस 4j माइनस k माइनस k 1k. ओके यहां पर मैं इक्वेशन लिखता हूं प्लेन का 5x माइनस 4y माइनस k इक्वल टू 7. ये हमारा इस प्लेन का इक्वेशन था. बराबर है. सो ओके हमारा इसका इक्वेशन लिख रहा है आपको 5x माइनस 4y माइनस z इक्वल टू 7. पॉइंट जो था पी पॉइंट दैट इज -2, 5, 5 यू हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम दिस पॉइंट. सो ए डॉट एल माइनस बी दिस बी माइनस डी अपॉन मैग्नीट्यूड उसका मैग्नीट्यूड ऑफ यन मीन्स अंडर रूट नॉर्मल का मैग्नीट्यूड नॉर्मल कौन सा 5 ये नॉर्मल है इसका 5² प्लस -4² प्लस -1² ओके नाउ यू फाइंड आउट कितना होता है -10 -22 5 -10 देन 5 - 20 बराबर है देन -5 -7 अपॉन अंडर रूट 25 + 16 + 1 सो -30 -35 -42 40 यू टेक द पॉजिटिव साइड बिकॉज इट इज नॉट सो अंडर रूट कितना
14 million, right? Okay. So that is equals to under root 42 units. Under root 42 units. Therefore, distance of this plane from the given point is under root 42. Yes, correct. समझ में? Okay. तो अशा पद्धतीने प्लेनचं डिस्टन्स काढा. आता वेगवेगळ्या रेफरन्स बुक्स मध्ये वेगवेगळ्या पद्धती केलेल्या आहेत, तो कन्फ्यूज होता. तर आपण प्रॅक्टिकली करायचं. आपण पहिल्यांदा काय करतो, त्याचा नॉर्मल शोधायचा. नॉर्मल नेहमी कसा करायचा, क्रॉस प्रॉडक्टी करायचा. कुठं दोन वेक्टर भेटतात का, जेणेकरून आपल्याला दिलेल्या प्लेनचं नॉर्मल काढता येईल, क्रॉस प्रॉडक्ट नॉर्मल शोधायचं. दोन प्लेन दिले होते त्यांनी,